सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। कई बड़े किसान नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक में आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। पिछले एक साल से किसानों का आंदोलन है जारी। पंचकुला में कांग्रेस ने हरियाणा लोक सेवा आयोग का घेराव किया। पंचकुला पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला, हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा और पूर्व उप मुख्यमंत्री चौधरी चंद्रमोहन सहित कई नेताओं को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। पंचकुला के सेक्टर 5 में परेड ग्राउंड में राज्य श्रमिक पंजीकरण समारोह का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल हुए। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ हरियाणा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। माल गोदाम रेलवे मजदूरों के लिए पंजीकरण शुरू किया। प्रधानमंत्री मानधन श्रमिक योजना का भी डेटा एकत्रित होगा। हरियाणा पुलिस की 16 महिला साइकिल चालकों की टीम ने प्रतिकूल मौसम के बावजूद जागृति यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान महिला पुलिस कर्मियों ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता उत्पन्न करने और उन्हें एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हरियाणा सरकार ने SCS अनिल नागर को बर्खास्त किया। HPSC में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर थे तैनात। रिश्वत के मामले में कुछ दिन पहले ही निलंबित किए गए थे नागर। हरियाणा सरकार ने बर्खास्तगी के आदेश जारी किए। 2019 में हरियाणा सरकार की ओर से ITI इंस्ट्रक्टर्स की 3206 पदों की परीक्षा ली गई थी, जिसमें लगभग 20 से 25,000 प्रदेश के युवाओं ने हिस्सा लिया था, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं निकाला गया है। चंडीगढ़ में सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सभी जिलों में 12 से 14 दिसंबर को गीता महोत्सव मनाया जाएगा। कुरुक्षेत्र में 75 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। साइबर सिटी गुरुग्राम में 500 से ज्यादा विदेशी या NRI भारतीयों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बीते दिनों 2400 से ज्यादा यात्री विदेश से यात्रा कर वापस लौटे हैं, जिनमें से 500 यात्रियों को होम आइसोलेशन में रखा गया। देश में कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद जींद जिले में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। अब जींद जिले में 2 कोरोना के एक्टिव केस मिले हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग को 827 लोगों की जांच रिपोर्ट मिली है। एक और जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर लोगों में फिर से भय का माहौल है, वहीं सिरसा में कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। सिरसा जिले में अभी तक पिछले 3 दिनों में कोरोना के 12 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। गुरुग्राम में पिछले 3 महीने से चल रहा खुले में नमाज का विवाद थमता नजर आ रहा है। अब दोनों पक्षों ने गुरुग्राम के जिला उपायुक्त और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर आपसी सहमति बनाई है। चरखी दादरी के सामान्य हॉस्पिटल में 4 युवकों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। दरअसल 4 युवक हॉस्पिटल में पहुंचे थे, वहां डॉक्टर से बहस हो गई। उसके बाद चारों युवकों ने डॉक्टर पर हमला कर दिया। उसके बाद जैसे ही अन्य कर्मचारी बीच में आए तो तीनों युवक भागने में कामयाब हो गए। यमुनानगर के फकीर माजरा में किसानों की फसल बर्बाद हुई। जिले में देर शाम हुई ओलावृष्टि से फसल को नुकसान हुआ है। किसानों की मांग है कि सरकार उचित मुआवजा गिरदावरी करा दे। इलाहाबाद के गांव के पास बीती देर शाम को एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस।